नमस्कार, हेलो, आप सभी का स्वागत है सिटी टेल्स के अनोखे सफर में। तो बात कुछ ऐसी है कि ये वीडियो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्थित अलग अलग नेशनल पार्क्स के बारे में कुछ खास जानकारी वाला सेकंड पार्ट है। तो तैयार हो जाइए एक और बार घर बैठे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के नेशनल पार्क्स की सैर करने के लिए। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पांच नेशनल पार्क्स के बारे में जानकारी देखी, तो आज हम ऐसे ही और पांच नेशनल पार्क्स के बारे में जानकारी देखेंगे, जिनमें पहला है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, जो असम राज्य के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस नेशनल पार्क को जुलाई 1997 को बायोस्फीयर रिजर्व में अंकित किया गया। इसका टोटल जियोग्राफिकल एरिया 340 स्क्वायर किलोमीटर्स इतना है और ये तिनसुकिया टाउन से नॉर्थ साइड में लगभग 12 किलोमीटर्स के अंतर पर स्थित है। यह पार्क नॉर्थ साइड से ब्रह्मपुत्र और लोहित नदियों से और साउथ साइड में डिब्रू नदी से घिरा हुआ है। इस पार्क में 36 अलग अलग प्रकार के मैमल्स की स्पीशीज अब तक रिकॉर्ड की गई है और कई सारे रेप्टाइल्स जैसे कि मॉनिटर लिजार्ड के 2 स्पीशीज, टर्टल्स और स्नेक्स के प्रत्येकी 8 अलग अलग स्पीशीज भी यहाँ पर अब तक रिकॉर्ड किए गए हैं और कई सारे पक्षियों की प्रजातियाँ भी पाई गई है इस पार्क में। खांगचेन जोंगा नॉर्थ सिक्किम में स्थित एक नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व है। ये बायोस्फीयर रिजर्व जुलाई 2016 को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में अंकित किया गया है। इस नेशनल पार्क के बारे में मैंने मेरे सिक्किम वाले वीडियो में बताया है, आप आई बटन में जाके उसको देख सकते हैं। अब हम यहाँ के कुछ ट्रैकिंग ऑप्शंस के बारे में जानकारी देखते हैं। खांचेन जोंगा का पहला ट्रैकिंग पॉइंट है झोंगरी ट्रैक पॉइंट, जिसका रूट है युक्सोम, शोका और झोंगरी। फिर गोच्याला ट्रैक, जिसका रूट बाकिम, झोंगरी, थंगशिंग, समुनतेंग और एंड में गोच्याला। खांगेरतेंग ट्रैक का रूट झोंगरी बेस कैंप, रोथांग, फिर खांगेरतेंग ऐसा है और लास्ट में तशीडिंग ट्रैक का रूट थंगशिंग, लाम पोखरी, कस्तूरी उरार, लबदंग और फिर अंत में तशीडिंग। इसके अलावा एक और फेमस ट्रैकिंग पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, जो है ग्रीन लेक ट्रैक। इस ट्रैक के स्टार्ट में लचेन टाउन आता है, जो नॉर्थ सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। फिर थंसगू, मुगुथंग, थाइला, ख्योक्साला, फिर आता है रेस्ट कैंप और अंत में ग्रीन लेक। फ्वांगपुई नेशनल पार्क, जिसे फ्वांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ये मिजोरम के साउथ ईस्ट में ऐजोवल सिटी से 300 किलोमीटर्स की दूरी पर लौंगतलाई डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और बर्मा के बॉर्डर से रिलेटिवली क्लोज है। अक्सर इसे मिजोरम का ब्लू माउंटेन कहा जाता है और ये राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जिसकी हाइट लगभग 2157 मीटर्स इतनी है। ये नेशनल पार्क आसपास के फॉरेस्ट एरियाज के साथ साथ पूरे पहाड़ी एरिया को भी कवर करता है। फ्वांगपुई का पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादातर बादलों के पतले खिंचाव से ढका रहता है, जिसके कारण दूर से देखने से यह नीला नज़र आता है। इस पहाड़ के किनारे ज़्यादातर स्टीप है और शार्प है और सबसे शानदार तो इसके वेस्टर्न साइड में एक सेमी सर्कुलर सुंदर चट्टान है, जिसे थ्लाजुआंग खाम के नाम से जाना जाता है। मिजोरम गवर्नमेंट इस नेशनल पार्क में सिर्फ ड्राई सीजन्स में इको फ्रेंडली विजिट की परमिशंस देती है। पार्क नवंबर से लेकर अप्रैल तक चालू रहता है और बाकी के मौसम प्राकृतिक विकास और कायाकल्प यानी कि रेजुवेनेशन के लिए छोड़ा जाता है और इस नेशनल पार्क का जियोग्राफिकल एरिया 50 स्क्वायर किलोमीटर्स इतना है।
तंगकी नेशनल पार्क नागालैंड के पेरेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस नेशनल पार्क में रहने वाली प्रजातियाँ ज़्यादातर दुर्लभ है, जैसे कि होकुलून गिब्बन, गोल्डन लंगूर, हॉर्नबिल, एशियन पाम किवेट, ब्लैक स्टॉर्क, टाइगर, व्हाइट ब्रिस्टेड किंगफिशर, मॉनिटर लिजार्ड, पाइथन और स्लॉथ बियर। इस पार्क का नाम तंगकी ज़ेलियनग्रोंग ट्राइब के ज़ेमे डायलेक्ट से लिया गया है। तंगकी रिजर्व फॉरेस्ट साल 1923 में इस्टेब्लिश किया गया था और तब उसका अप्रॉक्स ज्योग्राफिकल एरिया 181 स्क्वायर किलोमीटर्स इतना था और 1927 में तंगकी को 20.7 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ाया गया। फिर अप्रैल 1975 को गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड ने तंगकी रिजर्व फॉरेस्ट को तंगकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया, जिसका टोटल जियोग्राफिकल एरिया 202.02 स्क्वायर किलोमीटर्स इतना है। और फिर 1993 को तंगकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को तंगकी नेशनल पार्क में कन्वर्ट किया गया। और आखिर में तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो साउथ त्रिपुरा में स्थित है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 163.08 स्क्वायर किलोमीटर्स इतना एरिया कवर करता है। तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेलोनिया टाउन से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और स्टेट हाईवे से अगरतला के साथ जुड़ा हुआ है। इसे साउथ में बेलोनिया और नॉर्थ में सोनामुरा, इन नगरों के द्वारा अप्रोच किया जा सकता है। यहाँ पर कई सारे अलग अलग वाटर बॉडीज और ग्रासलैंड्स भी मौजूद है। इसी के साथ सेंचुरी में बहुत से वर्जिन फॉरेस्ट्स के पैचेस भी हैं, जो दुर्लभ वनस्पतियों के लिए समृद्ध है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, निरोप घेतो। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करके ही जाइए।